Jay. शक्कर कितनी डाली है? वही 2 चमचे। मैंने मीठा इस्तेमाल करना छोड़ दिया। क्यों, डायबिटीज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही एहतियात के तौर पर। तुम चाय नहीं पी रहे? मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। अकेले कर लिया? सालों से अकेले ही नाश्ता करती हूँ, आदत पड़ गई है। और आदतें खराब ना ही हो तो अच्छा है। दफ्तर में भी देर हो गई थी इसकी। आज भी ऑफिस। तुम्हें घर में रहने की आदत ही नहीं है। खाली घर में किसके लिए रहूं? घर में रहने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। तुम अपने हर एक्शन के लिए रीजन क्यों ढूंढती हो? अंदर और बाहर वाले गेट की चाबी की होल में लगा दिया, याद से ले जाना। और अगर बाहर जाओ तो चीज केक जरूर लेते आना। खुदा हाफिज। आज मुझे कोई फोन कॉल्स नहीं दीजिएगा, मेरे सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिएगा। और बस 5 बजे मुझे याद दिलाई गई, बहुत जरूरी काम। मैडम, हाउ वाज द प्रेजेंटेशन? मैम, आप तो हमेशा ही बढ़िया काम करते हैं। नाइस। हाँ यार, वो मैडम आ गई थी, प्रेजेंटेशन थी ना। अब देखो ना, मैडम कितनी कामयाब है। लेकिन अच्छा सुनो, मैं बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। ओके, बाय। हेलो। हाँ, मैं वो चाबियां भूल गया। क्या आपके भूलने की आदत कब जाएगी? और तुम भी टोकने से कभी मत चूकना। पर ये म्यूजिक तो आहिस्ता करो। अच्छा, कितनी देर में पहुंचोगे? आई कैन नॉट वेट लाइक दिस। पहुंच रही हूँ बहराम, वेट अ मिनट। आप अपने घर के बाहर खड़े हैं। हाँ, भूल तो हमेशा मेरी ही होती है। अच्छा प्लीज बहराम, डोंट क्रिएट अ सीन यार। मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं चाहिए इस वक्त। ओके। चाबी भी ले जाना, याद नहीं रख सकते। पागलों की तरह गाड़ी चला चला कर आओ इनके लिए। Mom, I missed you so much. क्या सिर्फ अपनी मॉम को मिस किया? अपने डैड को नहीं। अरे डैड, आपको तो और ज्यादा मिस किया। इनफैक्ट जब आप अपनी सारी फॉरेन ट्रिप्स पर जाते थे ना, तब मैं आप ही को मिस करती थी। और बेटा, हम जो पिछले 5 साल से आपको मिस कर रहे हैं वो अब आपको मुझे बिल्कुल मिस नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ हम होंगे और कोई और नहीं होगा।
हाँ अनीता, मैं बात कर रही हूँ। सूफी आ गई? जी पहुँच गई। ये बताओ बहराम आया हुआ है? जी आया हुआ है। अनीता कोई उजलत मत दिखाना। इस तरह की बातें कोई बहुत बड़ा शौक दे सकती है। जी जी प्यार मैं समझती हूँ, शौक नहीं लगे इसीलिए सब कुछ इस तरह से हो रहा है। अच्छी बात है। अच्छा मेरी बिटिया को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, ठीक है? जी अभिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। नाश्ता किया बेटे? लंच भी रेडी है। जूस? आप अपने टोर के कुछ दिन कम नहीं कर सकते? ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारे घर में दिल नहीं लगता, बोर होती हो तो मैं तो तुमसे पहले कह चुका हूं कि कोई जॉब कर लो, अपने टाइम की बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। यू आर एन एजुकेटेड वुमन, डोंट वेस्ट योर लाइफ जस्ट बाय बीइंग अ हाउसवाइफ। इट्स नॉट दैट आई एम गेटिंग बोर्ड। सोफिया तो पेरेंट टीचर मीटिंग। हाँ ठीक है, चली जाना। आप भी चलते तो अच्छा होता। वैसे अगर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी बहराम तो सोफिया का ख्याल कौन रखेगा? मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। सोफिया की टीचर कह रही थी कि बहराम साहब कभी किसी मीटिंग में क्यों नहीं आते, वो फैमिली को टाइम क्यों नहीं देते? What's up, Ish? Who is she to say like this? Sati, middle class people. Family को टाइम नहीं देते। She's your daughter's teacher. I know this. All I am saying is, अगर तुम्हारा दिल नहीं लगता तो कुछ कर लो। हम उन लोगों से नहीं है बहराम जिन्हें दिल लगाने की तरबियत दी जाती है। I want to be with my daughter, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। हम उन लोगों में से नहीं है जिन्हें औरतों पर बेचार पाबंदियां लगाने की तरबियत दी जाती है। वैसे भी सोफिया लंच करने के बाद सो जाती है और शाम को ही उठती है 6-7 बजे। Just go out and become something worthwhile. I'm getting late. Mom, मैं रात से कह रही थी कि एटलीस्ट एक महीने की छुट्टी ले सो दैट ऑल ऑफ अस कैन एंजॉय। व्हाट डू यू से? इट्स नॉट पॉसिबल।
मैक्सिमम 2 weeks, नॉट मोर देन दैट, वरना नुकसान हो जाएगा. अच्छा, एटलीस्ट 3 weeks तो कर लें. कम ऑन, व्हाट यू से? भाई ये तुम दोनों बाप बेटी का मामला है, मैं क्या कह सकती हूँ. प्लीज यू सॉल्व इट. देख रहे हैं ना, मॉम भी आप ही की फेवर कर रही है. नहीं बेटा, मैं कहाँ किसी को फेवर कर सकती हूँ. अभी तो ओके, झगड़ा तो नहीं होना होगा. झगड़ा? नहीं झगड़ा क्यों होगा. ऑफकोर्स ऐसी कोई बात नहीं. मैं देखती हूँ. सोफिया मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड का अखबार का ऑफिस है. मैंने कल उनसे फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि सोफिया जब चाहे मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती. यार यू शुडन्ट हैव डन दैट. आपको पता है बिलीव इन फेयर चांस. मैं चाहती हूँ कि मैं खुद इंटरव्यू दूँ और अपनी काबिलियत पर सिलेक्ट करूँ. मेरे लिए खोल के देखो तो सही. Oh my God. जी हाँ, ये आपके डैड की तरफ से ही है, अपनी प्यारी बेटी के लिए. कम से कम आप हमारा गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर सकती हैं. So much, Dad. Hello. Mom, Dad ने हमारे सामने क्यों फोन रिसीव किया? कोई वर्क रिलेटेड कॉल होगी बेटे. ईट यू फूड. आप भी ना, अगर वर्क रिलेटेड कॉल होती तो हमारे सामने रिसीव कर सकते थे. अच्छा दादी अम्मा, जल्दी से अपना खाना खत्म कीजिए, फिर मैं अपनी नई गाड़ी में सैर करवाइए. जी जनाब, तो अब आप हमारी होस्ट और हम आपके गेस्ट. ऑलराइट, सो आई जस्ट गो एंड चेंज एंड वी गो आउट. थैंक यू सो मच. अनीता, मुझे जाना होगा. क्यों? अभी तुमने 3 weeks प्रॉमिस किया सोफिया को, क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी. She's grown up now. But please बहन, तुम थोड़ा वक्त तो और ले सकते हो. Please don't rush things. She will need time. Okay, I'll try. और दे दो, जब इतना सब कुछ किया है तो थोड़े दिन की और बात. शी इज नॉट माई हेडेक, शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और तुम्हें शुरू ही से उसे बता देना चाहिए था. क्यों छुपाए रखा तुमने? शी इज नॉट जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहराम, शी इज योर डॉटर. और मैं उसको बताना, मैं उसको कैसे बताऊं, मैं उसको कैसे बताऊं इसका बाप. आई गिव अ डैम. प्लीज प्लीज बहराम, मेरी बात सुनो. डैड, इतना शोर क्यों हो रहा है? कोई कहीं जा रहा है क्या? What's wrong? क्या हो रहा है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? Mom? Dad? Mom, Dad को रोकिए. Dad? आने दो बेटा. अब नहीं रुकेंगे वो. What do you mean? मैं नहीं चाहती थी सच्चाई इस तरह तुम्हारे सामने आए, लेकिन होता वही है जो लिखा होता है. लिखा होता है, आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? व्हाट इज हैपेंड? मेरी जिंदगी तो बरसों से पहेली बनी हुई है. ये उन दिनों की बात है जब तुम 4 बरस की थी. तुम्हारे डैड बार बार मुझे जॉब करने के लिए कहते थे. अगर तुम्हारा घर में दिल नहीं लगता, बोर होती हो तो मैं तो तुमसे पहले कह चुका हूँ कि कोई जॉब कर लो. आपको अच्छी तरह पता है कि मैं ये नौकरी सिर्फ आपके कहने की वजह से कर रही हूँ. एंड स्टिल आई ट्राई टू डू एवरीथिंग आई कैन फॉर माय फैमिली. तो क्या मैं इस घर के लिए कुछ नहीं करता? मैं दिन रात मेहनत करता हूं तभी तुम लोग इतनी कंफर्टेबल जिंदगी गुजारते हो. ओके, जिंदगी में कंफर्ट ही सब कुछ नहीं होता है बहराम.
रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत और एहसासात पे रखी जाती है। एक दिन वो मुझे बैंकॉक जाने का कहकर गए। उन्हीं दिनों में यहाँ एक रेस्टोरेंट में गई और वहां मैंने तुम्हारे डैड को देखा। उन्होंने मुझे नहीं देखा, वहां मुझे पता चला कि वो तो कब से दूसरी शादी कर चुके हैं। बहराम ने मुझसे कहा कि वो मुझे आजाद कर देंगे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादीशुदा जिंदगी की बर्बादी का असर तुम पर हो, तुम्हारे बचपन तुम्हारी तालीम पर किसी तरह का बुरा असर पड़े। वैसे भी मैं तलाक को अच्छा नहीं समझती। बस मैम बस, और कुछ नहीं सुना पति ने। इट्स नॉट टाइम, झूठ को सच समझती रही हूं।